प्रिय व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को भी सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद। तो आज का हमारा विषय है भारतीय इतिहास। हमारा सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ए पुरापाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग या डी लौह युग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया उस काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। इसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जो धातु औजारों के रूप में प्रयुक्त हुई वह तांबा थी। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में है। सर्वप्रथम चित्रित मृत भांडों के अवशेष ताम्रपाषाण काल में ही मिलते हैं। इसी काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की। भारत में पुरापाषाण काल के अवशेष कहीं भी नहीं मिले हैं। जो कुछ भी अवशेष के रूप में मिला है वह उस समय प्रयोग में लाए गए पत्थर के उपकरण थे। नवपाषाण काल की सभ्यता भारत के विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। अग्नि का प्रयोग तथा सर्वप्रथम कुंभकारी इसी काल में दृष्टिगोचर होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दर्शनीय स्थानों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दो टेबल्स दिख रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सही उत्तर बता दूं, वो है उत्तर डी। डी के अकॉर्डिंग उदयगिरि का मेल है शिलाओं को उत्खनित कर गढ़ी मूर्तियां स्तंभ आदि। बी भीमबेटका का मेल है प्रागैतिहासिक शिला चित्र। सी बांधवगढ़ का मेल है राष्ट्रीय उद्यान। डी चित्रकूट का मेल है रामकथा से जुड़ा तीर्थ स्थान। अगला प्रश्न, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ए मोरहना पहाड़, बी घगरिया, सी बगही खोर या डी लेखाहिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। विंध्य क्षेत्र के मध्य पाषाणिक पुरास्थलों में से उत्तर प्रदेश के वर्तमान मिर्जापुर में स्थित लेखिया नामक शिलाश्रय से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जबकि अमेरिका के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। अगला प्रश्न, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? ए 647 ईस्वी में, बी 1013 ईस्वी में, सी 711 ईस्वी में या डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण अरबों द्वारा किया गया था। 712 ईस्वी में अरब के तत्कालीन सूबेदार अल हज्जाज के आदेश से मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब सेना ने पश्चिमोत्तर भारत के सिंध राज्य पर सफल आक्रमण किया था, जहां का राजा दाहिर था। लेकिन अरबों की इस विजय से भारत में उनका साम्राज्य स्थापित नहीं हो सका और अरब आक्रमण का भारत पर कोई स्थायी प्रभाव भी नहीं पड़ा। सुबुक्तगीन के बाद गजनी के सिंहासन पर महमूद गजनवी बैठा और उसने बगदाद के तत्कालीन खलीफा कादिर से सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की। इसी के साथ उसने हिंदुस्तान के काफिरों पर लगातार आक्रमण करने की शपथ भी ली। पहली बार उसने 1000 ईस्वी में सिंध के राजा जयपाल पर आक्रमण कर उसे हराया और सिंध को लूटा। 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच उसने हिंदुस्तान पर 17 बार आक्रमण किया और उसे लूटा। उसने 1025 ईस्वी में उसने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया। अगला प्रश्न, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ए ताजुद्दीन यल्दौज, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, डी
नसरुद्दीन कुबाचा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। शिहाबुद्दीन उर्फ मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुनः भारत आया और इस बार इसका मुकाबला खोखरो से हुआ। इसने खोखरो को पराजित किया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद चूंकि इसका कोई अपना पुत्र नहीं था, इसलिए लाहौर की जनता ने मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर पर शासन करने का निमंत्रण दिया। ऐबक ने लाहौर पहुंचकर जून 1206 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया। सिंहासन रूढ़ होने के समय ऐबक ने अपने को मालिक एवं सिपलहसार की पदवी से संतुष्ट रखा। इसने अपने नाम से न तो कोई सिक्का जारी करवाया और न कभी खुदबे पढ़वाए। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी स्थापित की। ए लाहौर, बी दिल्ली, सी अजमेर, डी लखनौती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। अपने शासन के 4 वर्ष बाद 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया। बी अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। सी पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगवाया। डी डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुबर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा अन्य तीनों विकल्प सही है। अगला प्रश्न, भारत ने फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया। ए सूरत, बी पुलिकट, सी कोचिन, डी कासिम बाजार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सन 1664 ईस्वी में लुई 14वें के शासनकाल के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस केरोन के अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा और 1668 ईस्वी में इस दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। अगला प्रश्न, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। ए पुर्तगालियों ने, बी फ्रांसीसियों ने, सी डेनमार्क वासियों ने, या डी अंग्रेजों ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा के द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए इस्तेमाल किया जाता था ताकि उसका प्रभुत्व इस क्षेत्र में बढ़ सके। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में कासिम खां के नेतृत्व में हुगली पर कब्जा करने के लिए एक विशाल सेना भेजी और अंततः हुगली पर कासिम खां के द्वारा कब्जा कर लिया गया। अगला प्रश्न, मोडी लिपि का प्रयोग किन के लेखों में किया जाता था। ए वोडियारों के, बी जमोनेरों के, सी होयसलों के, या डी मराठों के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। मोडी लिपि का प्रयोग मराठा प्रपत्रों के लिए किया जाता था। इस लिपि का प्रयोग शिवाजी व पेशवाओं के प्रपत्रों में देखा जा सकता है। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।